vai nele. कोई दवाई की वो आई
I will say that I have been suffering from fever since last night, so I will unable to attend the college. Grant me leave for 2 days. They are so deadly. X, Y, Z. कोई भी विषय अगर नहीं गई आपको क्या लगे ये आएगा क्वेश्चन ऐसा सुन जाता है वो ऑप्शन के बाद आ रहा है कौन सा ऑप्शन मतलब छूटा हुआ है मिस हुआ है कि मतलब कौन सा ऑप्शन मिस हुआ है तो योर नेम अपना नाम लिखना है एड्रेस अपना बताना है सिटी ब्रांच है स्टेट कोड ईमेल आईडी फोन नंबर देश ये दो चीजें बढ़ गई हैं क्योंकि ये तीन ही थे अब जैसे ही पता लगा कि तुम आए नहीं तो फोन करके पूछ तो लिया है नहीं कि सच में क्यों नहीं आ रहा है लड़का है नहीं तो ये नाम है ये दो चीजें फोन है ना अब वो लड़की कहीं उसका नाम तो पता होता नाम बताओ एड्रेस बताओ फोन नंबर बताओ तो लड़की यहाँ रोते हुए आई तुरंत ही उसका फोन नंबर क्या नाम दे दिया है अब बताओ ये लड़की कितना कितना वो सब आपको क्या कह रही थी सर तक गन्ना कर सकते हो उसकी रोज पीजा कर भी पकड़ी जा रही है गलत नहीं कह रहे थे कितनी गलत बात है जबकि वो जो मेरे मित्र हैं आज वो मुझे छोड़ने आए तो कोई भी नहीं छोड़ने आए अपनी गाड़ी से वो पीलीभीत में उनका मकान है तो वो मुझसे कहते हैं पर सर आपके यहाँ पीलीभीत में बहुत गदर होता है और कहते हैं हमारे यहाँ तो है ही गदर कहते हैं हमारा फोन आपको हमारे पूरे पूरे रूम में और अभी रास्ते में फोन पर बात करते हुए नहीं दिख सकती फोटो मैक्सिमम मैम मिला नहीं करती तो ये बताओ कब मैंने कितना नाम था तो ये फोन नंबर हो गया ये डेट हो गई है ना अब ये तुमने अपनी बात बताई ना अब वो किस कॉलेज के लिए कर रहे हो वैसे अधिकतर ऐसा होता है कि एक चीज इधर बना दी और एक चीज ऐसा कब तुमने देखा होगा वो भी नहीं बता रहा आप जब किताब से पढ़ते थे मास्टर माइंड या राजशेखर काकू वाली तब आपको अपना वाला एड्रेस इधर और वो वाला एड्रेस इधर और जब आप गैस पेपर में पढ़ते थे जब दिवाली के पास गैस पेपर आ जाता है तब जब गैस पेपर से पढ़ते थे तो फिर एक ही लाइन में सब होता था देखा नहीं देखा ठीक है तो ये सब नोट डाउन कर लिया ये कर लिया आप सबसे मेन बात पूरे एप्लीकेशन की जड़ यकीन मानो सरकारी कर्मचारी कभी कभी इतने लापरवाह हो जाते हैं कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते तुम्हारे लेटर वो पता क्या पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हेडिंग कि कौन से विषय के ऊपर तुम लेटर लिखा है जैसे अभी मैं अखबार पढ़ रहा था तो वहाँ आधे घंटे पहले आ गया तो अमृत विचार का भी एक न्यूज पेपर था दैनिक जागरण का भी था अमर उजाला का भी था तो मैंने कहा तीनों पढ़ लू अब तीनों में पढ़ सकता हूँ आधे घंटे तो मैंने क्या किया केवल उनकी हेडलाइंस पढ़ ली ताकि मैं समझ गया कि इसके अंदर ये चीज होगी तो ऐसे ही पूरे एप्लीकेशन की सबसे मेन जड़ जो होती है वो होती है पता क्या सब्जेक्ट क्या होता है तो जब अब बताओ जब जब दिक्कत है नहीं लिखते
सरकार बीमारी के लिए प्रार्थना। यकीन मानो पहले ना तुम ना हम कभी बीमारी का प्रार्थना पत्र तुमने नहीं लिखा होगा, है नहीं? कि छुट्टी करनी है तो क्या बताना, नहीं जाएंगे कौन क्या करेगा, नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। ये देखो, ये छुट्टी के लिए लेटर लिखना पड़ता था कि छुट्टी लेनी है तो लेटर प्रिंसिपल को देती है, प्रिंसिपल दो दिन बुखार आ रहा है, नहीं है। लेकिन आपको नहीं लिखता, आदमी छुट्टी करता है तो कर लेता है, लेकिन हमें करना पड़ता था, हमें करना पड़ता था, क्योंकि राइट टू एजुकेशन आया था, बना था 2005 में, कब बना था 2005 में। लेकिन मानो इससे पहले का जो सिस्टम था तो मारने का अधिकार था टीचर का, उस समय को मारते थे बहुत, और इतना मारते थे कि बहुत मारते थे। कई बार तो पिताजी शिकायत करने गए कि आपने हमारे लड़के क्यों मारा, तो तब मैथ वाले टीचर तो हमेशा बहुत, जहाँ भी मैंने मैथ वाले टीचर देखे थे वो सब मारने वाले थे, ठीक है। लेकिन हमारे स्कूल में जो टीचर थे वो सबसे ज़्यादा मारने वाले थे, वो अंग्रेजी वाले थे, इसीलिए लड़के क्या करते थे, कोई काम कंप्लीट हो या ना हो अंग्रेजी वाले, लेकिन जो चीज़ लाभ मिला उनका इंग्लिश गुरु से लगे आगे तक सभी अंग्रेजी अच्छी रही, ये समझो। यकीन मानो लड़के इतना खौफ, अब तो दोस्ती की तरह सब टीचर स्टूडेंट रहते हैं, इतना खौफ कि कापी नकल तो लिख के लाए, पहले हर दिन था कि नकल जरूर लाओगे लिखी, तो इतना वो खौफ था कि कैसे करके चेक कराने जाए, डर लगता था बहुत। और पता नहीं अधिकतर जब 10 बच्चे गए तो उसमें से 3-4 तो मार खाने थे, काफ़ी चेक कराने जाए तब भी मार खा, कोई कमी निकल आई तो बहुत मारते, अब तुम इतना मारते थे कि बहुत तो लिख के नकल लगनी, जब देखेंगे तो चेक करा लो, नहीं करी तो नहीं करवा। कई बार घर में डॉक्टर की नकल तो तुम्हारी चेक नहीं है, क्या बात, चेक नहीं करा, सबका भी चेक होती थी, लेकिन बहुत मारते। एप्लीकेशन हम लोगों को लिखना पड़ता ना जाते थे तो ऑपरेशन को इतना मारते थे कि एप्लीकेशन क्यों। अब कई बार ऐसा होता है बुखार को बता के भी ना तो ये नहीं है। अच्छा कभी कभार मुझे आदमी ध्यान है क्या नाम, मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पैर में प्रॉब्लम हो गई तो मैं चल नहीं पाया था, करीब एक साल चल नहीं पाया, तो वहाँ से क्या नाम, उस समय जो टीचर आए थे कि अगर नहीं आए तो नाम काट देते, तो नाम काट दिया मैंने, एक साल में चल नहीं पाया तो फिर नाम काट दिया। फिर मैं जाता था तो मुझे डर लगता था, मैं इतना मारना ये, और कहीं मुझे तो मार दिया, मेरा पैर से सही हुआ है तो प्रॉब्लम हो गई, तो मैं तो अपना पूरा काम कंप्लीट ही रखता था, तो काम कंप्लीट रखता था वो स्कूल का समझो ज़्यादा रहता था। उससे लड़के लड़कियाँ सब बड़े प्यार करते थे कि काफ़ी देते काफ़ी महीने तक उसके हाथ नहीं आते, मारते बहुत थे, आपने देखा नहीं होगा कितनी मार हो चुकी अपने पिताजी से पूछना कितनी, हालांकि वो बताएंगे नहीं, लेकिन जिसके भी पिताजी पड़े हुए हैं वो मार सबने खाई है, और कोई नहीं खाई उसको और एक दिन लड़कों के साथ मैं भी निकल गया, वो पेड़ तोड़ने निकल गए तोड़ के, फिर चलो लंच होता था पहले आधे घंटे का, तो दौड़ने चले गए, लाइन पे थे वो होते नहीं है देर होते नहीं है, तो लाइन पे होते हैं छोटे छोटे, तो उसी पे मैं दौड़ने गया, तो आ गए हम लेट हो गए, लेट क्या हुआ, 4 बच्चे गए तो यकीन मानो टीचर हमें गेट पे ही खड़े गेट पे, तो वही सारे बच्चे जाने तैयार नहीं किए, हम मार खाए मार, अब अगर सुनो नहीं जाओगे तो वो जो बैग है तुम्हारा बैग वो नहीं कोई ले जा सकता, कहते थे बस्ता बंद हो गया, तो बस्ता बंद हो जाने का मतलब तू बीमार, अगले दिन बहुत मार लगती है बस्ता बंद अगर हो गया तो, अब फिर जाता ही था तो सरेंडर कर दिया चारों ने, तो गए मानो मार से मारते हुए डंडा तोड़ दिया, वो ऐसे मार रहे थे तो मेरा तो कम लगे, लेकिन एक ही डंडा करना हाथ में लगा, तो ये समझ लो
एक घंटे तक लगाई थी कि हाथ आ जाएगा। हमें बड़े अच्छे से पता होता था। और सुनो, छुट्टी के लिए भी हर बात में मार है। अगर एक गलती निकल आई, कामा नहीं लगाया, लाइन सही से नहीं लगाई, तो कई बार ऐसा होता था लड़के मुझसे लिखवा देते लेटर। अब मैंने उसमें नाम लिख दिया था। एक हमारे टीचर की कला थी कि नीचे लिखते थे एक्स वाई जेड, ये और सब पे डलती तो नीचे नाम लिखा एक्स वाई जेड, मतलब कोई सा भी नाम। तो एक लड़के ने लेटर लिखाने को करके और नीचे लिख दिया एक्स वाई जेड, पता नहीं है लेटर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे मेजर कौन सी होती है? अब यहाँ से क्या रिक्वेस्ट कार दिख रही, इसका मतलब है लड़का बीमार है, उसी के लिए छुट्टी मारे। अब यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर आपको जो भी है प्रिंसिपल नेम क्या लिखना है,
आई विल इंश्योर टू कैच अप ऑन ऑल मिस्ड बर्ग लेकिन जब किसी का एडमिशन नहीं हुआ
तो सबने करवा दिया आदर्श किसान इंटर कॉलेज गलौला। ये दो ही इंटर कॉलेज थे, या गलौला और या पीडीडी, और कोई था ही नहीं। तो अब सारे लड़के यहाँ पे मैं बना तेरा मुझे अच्छा ही लगता था। वो भी मुझसे कहते थे कि यही करवा दो। मैं गया एक दिन घर जीने में बैठ, वो पापा आप लोग मुझे कई बार मजाक कराते हैं, कभी मूड में होते तो मजाक कराते हैं। तो मास्टर बन गए हो तो यही इसी जीने में बैठ कर तुम आए हो यार। ले आया और बोले कि पापा मैं वहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं तो गलौला पढ़ूंगा। तो पापा ने एक जगह कर दिया पढ़ लिया, हम लोग दोबारा पैसे नहीं बना करता है मजबूरी में बना। लेकिन ये फिर रोज जाते थे, लेकिन मैंने चीज कर दी। मैंने कहा रोज मतलब ठीक है, लेकिन मैंने कहता था रोज गाँव से जाता था पढ़ने, ताकि शाम को तो लड़कों से मुलाकात हुई रहेगी, लेकिन फिर पढ़ाई की ही बातें होती थी। वो अपने यहाँ से बताते थे कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होती थी, आपको आज भी लेटर लिखना आता है तो आप 25 से 30 हज़ार की नौकरी कहीं भी ले सकते, किसी भी मतलब जो फॉरनर वाली जो एजेंसी होती है एजेंसी, उसमें केवल लेटर ही बनाने होते हैं। बैंक में भी प्राइवेट के तौर पर लग सकते हो, लेटर ही बनाने होते हैं। ठीक है, लेटर बनाना भी एक कला होती है। मैं जब आदर किसान इंटरवाल के बाद एक शहर में चलता है, उसका क्या नाम है, आदर्श शहर में आदर्श चलता है, आदर्श का राजीव भवन में दरखाने वाली गली में है, मथुरा डालता हूँ का नंबर। तो मैं गया इंटरव्यू देने, उन्होंने कहा ठीक है आप लेटर लिख के दिखाओ फीस माफी के ऊपर। तो वो मैंने लिख दिया, तुरंत हायरिंग में भी था तुम्हारे कि आई एम अनेबल टू मतलब पे द फी, क्योंकि माई फादर इज आई पी एफ पुअर शॉपकीपर है ना, वो वाला था सब सब। हाँ तो देखिए बड़े ध्यान, अगर आपको प्रिंसिपल के लिए अगर कोई लेटर लिखना है बीमारी के लिए, तो आपको मेन बात यहाँ लिखना है, पहले तो ऊपर पता लिखवाई दिया, ऊपर बताई दिया था, फिर आपको यहाँ पे लिखनी है रिक्वेस्ट। क्या लिखनी है रिक्वेस्ट, लिखो जो जो आपकी सब्जेक्ट है उसकी रिक्वेस्ट लिखनी है, सब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट करनी है। प्रिंसिपल का नेम करना है, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, आई मैं अपनी जो राइटिंग लिख रहा हूँ इन्फॉर्म यू सूचना दे रहा हूँ, राइट टू इन्फॉर्म यू, मैं लिखित रूप में आपको सूचना दे रहा हूँ, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, मैं लिखित रूप में आपको सूचना दे रहा हूँ, दैट मीन्स फ्री कंजक्शन हो गया ना ये। आई एम अनवेल, अनवेल वेल मीन्स स्वस्थ और अनवेल मीन्स I am unwell, मैं अस्वस्थ हूँ, and require means आवश्यकता है some time off, कुछ off means क्या होता है, कुछ छुट्टी की आवश्यकता है, क्यों to recover, किसके लिए recover के लिए। अब ध्यान रखना, हमेशा recover के लिए पेपर में फॉर्म इसके आता है, लेकिन वो क्या होता है गलत प्रोपोजिशन, कौन सी बननी चाहिए इम्पोर्टेंट है ये, फिक्स प्रोपोजिशन है पढ़ना, फिक्स प्रोपोजिशन है। फिर आई एम सफरिंग, रिकवर होने में तो बताओगे ठीक है बीमारी है क्या है, आई एम सफरिंग फ्रॉम, वहाँ यहाँ पे कोई इलनेस का क्या लिखोगे, नेम लिखोगे, बीमारी का नाम लिखो, फिर बताओगे एंड बीमारी है एंड माय डॉक्टर, मेरे डॉक्टर ने हैज एडवाइज, मेरे डॉक्टर ने एडवाइस में सलाह दी है, मी मीन टू टैग, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि नंबर ऑफ डे कितने दिन तक ये संख्या आ जाएगी, फोर डे थ्री डे सेवन डे है ना, कितने नंबर कितने दिनों की डेज ऑफ रेस्ट टू इंश्योर ए फुल रिकवरी, ताकि आपकी फुल रिकवरी हो जाए मतलब सही हो जाए। पिछले साल कम से कम बताया ना तुमने, करीब 10-11 बैच पढ़ाता था, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक बैच पढ़ाता था, और पिछली ये रक्षाबंधन ही पिछली बार रक्षाबंधन को मैंने न्यू स्कूटी खरीदी, और न्यू स्कूटी खरीदी तो खरीद तो ली थी लेकिन घर नहीं गया था, तो
मैं उसी दिन अच्छा प्रिंसिपल मिलने वाले जब घर गया था तो बड़ा खुशी था, लेके जा रहा हूँ तो मैं गया तो शाम को घूमने जाते हैं जो सात लड़के पढ़े हुए थे, तीन लड़के थे और उनको भी बैठा लिया तीन चार लोग तो बता रहे थे ये खाना बन रहा है भाई, ये कोई दिक्कत नहीं मजबूत है तो मेरे बच्चों को बैठा के ले जा रहा तो मैंने थोड़ी देर चला तो मैंने आगे बाकी ब्रेक मार आगे बाकी जब ब्रेक मारे हैं तो मैं तो पास में ही मिला लेकिन उनमें से एक तो रोकने के लिए और एक तो खाई भी मिला लेकिन चोट उनको कम लगी सबसे ज़्यादा चोट मिली मेरे और मेरा ये हाथ टूट गया। अब बताओ सात ऐसे हाथ टूट गया है अब अब तक रक्षाबंधन तभी तो वैसा हाथ टूट गया मेरा तो अब मैंने सोचा कैसे कैसे तो डॉक्टर ने ये कहा कि अब तो नहीं हो पाएगा काम भाई कैसे निकलेगा तो बोले हाथ उसने प्लास्टर किया कच्चा और ऐसे कर दिया ऐसे तो मैंने बताया नहीं घर पे किसी उसको कॉलेज में नहीं बताया घर आए बाप के पास बोले तो भी मैंने कहा कैसे किया कभी फिक्स नहीं है भाई ये बताया तो चार लोग बैठे तो पहले तो ऐसा होता था कि चोट ले जाना अब तो किसी बच्चे को चोट लग जाए देखते हुए चोट लग जाए तो नहीं बनना तुम्हारे पिताजी माता जी बिल्कुल घाटते हुए तुम्हारे बच्चे को चोट लगती मैंने ऐसा नहीं होता चोट लग जाती थी पहले मम्मी या पिताजी को ना कोई और मार दे उसके बाहर ले जाते बाहर ले जाते समझ रहे तो कई बार तो ऐसा हुआ कि चोट बताते नहीं थे तो ऐसे ही मेरे मैं आया वहाँ से और मैंने नहा लिया फिर 10-11 बजे दोनों सिस्टर आए मेरे बहन को बताया उनका ऐसा है हाथ में दर्द हो रहा है तो उसने कहा ठीक है देसी घी गर्म करके मैंने लगा के वो टूटता चला जा रहा है पूछ रही थी कैसे दर्द उनका एक्सपोज तो बोले मुझे आपको इसमें डॉक्टर होगा मुझे लगता है सूझ रहा है तो फिर रात में ही गया तो टूटा हुआ चला ऐसे टांग दिया एक दिन की छुट्टी ली मैंने डॉक्टर बोले 15 दिन तक पढ़ाना नहीं है लिखना नहीं है और हाथ ऐसा नहीं करना है अब यहाँ लगा इतने छोड़ दिया था उसने थोड़ा सा मतलब ऐसे किया ना उसने ऐसे ऐसे तो अब एक दिन हुआ कहाँ 12-14-48 हज़ार का केयर हो रहा था उस समय तो फिर वो उतार दिया मैंने और एक दिन की छुट्टी लेके अगले दिन मैंने मार्कर जो है वो उसमें बीच में ऐसे घसानी पड़ती थी तब ऐसे बन जाती मैं लिखने लगा अगले एक दिन की छुट्टी अगले दिन से मैं लिखने लगा था खूब मैंने लिखा और लेकिन फिर वो मैंने पक्का पढ़ा था तो मैं पक्का करवाने के लिए मैंने कोचिंग में बसना था उनका पैसे थे उनके पास पैसे उस दिन नहीं थे तो उन्होंने यह कह दिया अरे क्या करोगे डॉक्टर आपको फिर से ढूंढना सुधारेगा तो ऐसे ही लगा रहने दो यही तो कोई मैंने लगा रहने दिया 4-6-7 दिन निकाल दिया लेकिन फिर दर्द होता था कुछ दिन में धीरे धीरे सही हो गया तो बस हो गया लापरवाही तो दिखाई लेकिन कुछ नहीं गलत हुआ इसी जगह है लेकिन डॉक्टर की बात माननी चाहिए अब तो मानो या ना मानो लेकिन कॉलेज वाला रिस्क नहीं लेता तो कॉलेज वाला जब छुट्टी की बात करेगा तो छुट्टी उसने दे ही दिया तभी उसने कहा जे क्या लिखा है फुल्ली रिकवरी है हाँ फुल्ली रिकवरी ये है रेस्ट ऑफ इंश्योर ए फुल रिकवरी मतलब फुल रिकवरी पूरी तरह से स्वस्थ होने में इतना टाइम लगेगा डॉक्टर ने कही अब देखो क्या कह रहा है नाम लगाया किसका अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे देखो ये लेटर है लेटर के दो पार्ट होते हैं एक पार्ट में अपनी प्रॉब्लम बताओ है ना जानकारी दो तब वो पढ़ लेगा फिर दूसरे पार्ट में बताओ चाहते क्या हो तब जाके दूसरे पार्ट में तुम्हें क्या करना पड़ेगा तब अपनी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तो अभी तक तुमने यहाँ तक अभी यह तो नहीं बताया कि मुझे छुट्टी चाहिए देखो क्या कह रहा है आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू मैं आपको सूचित करना रहा हूँ लिखित में कि आई एम अनवेल मैं अस्वस्थ हूँ एंड रिक्वायर
सम टाइम ऑफ मुझे कुछ समय के लिए आराम करने के लिए कहा गया है टू रिकवर। सही होने में आई एम सफरिंग फ्रॉम इलनेस, कोई बीमारी का नाम लिखना पड़ेगा। एंड माय डॉक्टर हैज एडवाइज मी, और मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है टू टेक मींस करने की, यहाँ पे जितने दिनों के लिए भी हो डेज आप रेस्ट टू इन टू रिकवर। छुट्टी मांगी है? नहीं मांगी। बात बताई अब मांगूंगी छुट्टी, इसमें क्या चाहते हो? दो पार्टों में लेटर लिखना चाहिए, ठीक है? अब कह रहा है आई काइंडली रिक्वेस्ट, आई काइंडली रिक्वेस्ट, मेरी विनम्र प्रार्थना है, आई मीन मेरी काइंडली विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट मीन प्रार्थना है, आई काइंडली रिक्वेस्ट, मेरी विनम्र प्रार्थना है, दैट मीन्स की यू मीन्स टू ग्रांट। ये ग्रांट का बहुत हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा सर देने की कृपा करो तो यहाँ गिव क्यों नहीं करते हो, गिव मीन्स दे, है ना? तो वो कहते थे कि गिफ्ट कोई वस्तु देनी है, अब कोई चीज तुम्हें छुट्टी देती दिखने तो प्रदान किया जाती है, अलाउड किया जाती है, तो इसलिए ग्रांट लगता है। तो यू ग्रांट मी, मुझे दो, सिक मीन्स छुट्टी, सिक मीन्स बीमारी, लीव मीन्स छुट्टी, कब से फ्रॉम, जो लेट जाना चाहो और बाहर खा, है ना? यहाँ पर भी गलती होती है, गलती कैसे होती थी कि तीन दिन की चाहिए तो लिख देते थे छः टू नौ, अब तीन दिन दीजिए छः से नौ तक जोड़ी हो जाकर क्या हो रही है, छः से छः सात आठ नौ, कितने दिनों की हो गई, इसमें भी एक गलती होती, एक बढ़ जाता था हमेशा हमारे, तो तीन दिन की चाहिए तो फिर सिक्स टू एट लिखना पड़ता था ना, तो कहते हैं ये भी बात बहुत दिनों में समझ में आता है। कुछ बैठते जो एक बार टीचर से पूछा, किसी ने पूछा कि ये गिफ्ट क्या लिखा है, मैंने कहा मुझे पूछकर बताया कि ये क्यों लिखा है, मैं कहता क्यों, मैं सबसे कहना सर क्यों लिखा है, कई बार सर से पूछा क्यों, तो वो बोले अच्छी खास बहुत नहीं है, मानने को क्या जैसे होता है क्रूर है ना, पर आता खाली ये गिरा पड़ा। तो कहते हैं कि आई काइंडली रिक्वेस्ट दैट मैंने तुमसे विनम्र प्रार्थना है कि यू ग्रांट मी सिक लीव, मुझे छुट्टी दो प्राम मीन से इतनी तारीख से टू इतने तक, क्यों दो कि आई विल इंश्योर टू कैच अप, कैच अप पेपर में कैसे आएगा, पेपर में क्या लिखने के लिए नहीं, ये लिखा लिखाया मिलेगा, पेपर में आपको लेटर लिखा लिखाया मिलेगा, बस वर्ड ढालेगा, वर्ड किसी का सिनोनिम पूछेगा, किसी का सिनोनिम पूछेगा, है ना, किसी का यंग ट्रेंड पूछेगा, तो ये फ्रेज आता है कैच अप, कैच अप का मतलब होता है सही हो जाना, उभर जाना, है ना। तो आई विल इंश्योर टू कैच अप ऑन ऑल मिस्ड, इन शॉर्ट आई विल इंश्योर टू कैच अप, मैं तो हो जाऊंगा फिर तो होने के बाद ऑन ऑल मिस्ड वर्क, जितना मेरा छूटा हुआ कार्य है एंड असाइनमेंट, और असाइनमेंट है एज सून एज बहुत जल्द से जल्द मैं पूरा करके आई एम एबल टू रिटर्न टू स्कूल, मैं बहुत जल्द स्कूल को प्रदान करूंगा, ठीक है। अच्छा अब से असाइनमेंट क्या होता है, अब तो असाइनमेंट कॉपियों पे चलता है ना, हमारे असाइनमेंट क्या होते थे, कहते हैं सेम इन्हीं दिनों की बात है, इन्हीं दिनों की बहुत बड़ी सी फील्ड होती थी, थोड़ा मैं गया हूँ तो रात में पता है वो गोदाम बना हुआ है, उसके बराबर में बहुत बड़ा था कॉलेज है, वो तो इंटरवाल लगता था, सारे टूर्नामेंट उसी में होते थे, पहले टूर्नामेंट होते थे, स्कूल के बच्चे जाते थे कबड्डी में होता था, तो क्या करना होता था कि असाइनमेंट के लिए, इन्हीं दिनों की बात है, हमें अपनी अपनी क्रेंजा बनाते थे, क्यारियाँ बनाते थे अपनी अपनी, अपनी अपनी क्यारियाँ बनाते थे, तो वो कहते थे कि आपको कोई सी भी वो फसल करनी है, तो लड़कों के अंदर एक ही चीज था कि धनिया बोते थे, उसमें धनिया बहुत इतना क्रेज था, उसके ऊपर पैरा डाल दिया, अब वो रोज देखते थे दुगा नहीं हुआ पर डे, जितने अभी फिर यही दिन थी सेम सही उगवाते थे, फिर कोई मेथी पालक का साग उगाता, कभी कोई कुछ उगाता, मेरे दिमाग में चला गया नहीं मेथी पालक का साग, अगर सिक्स क्लास की बात है मैंने सूरजमुखी का सूरजमुखी
और सब कह रहे होंगे बहुत अच्छे अच्छे तुम्हें फूल आने को थे, ठीक है, लेकिन और साथी में आते जो दोस्त थे वो जलते थे। दिल्ली बहादुरगंज पास में ही है, तो रात में लड़के आए और मतलब कूद के मतलब 3 किलोमीटर वो आए चल के, अब पूरी क्या उन्होंने सारी की सब काट डाली। मैं एक दिन आया बहुत बुरा लगा, तो ऐसे लड़ाइयाँ होती। तो असाइनमेंट और तुम्हारा छूटा हुआ वर्क है वो जल्द से जल्द जमा कर दूंगा मैं स्कूल में। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मेरी ये परेशानी समझने के लिए थैंक यू। कहाँ जा रही हूँ अभी बैठू फोटो खिंचा दूंगा। सभी बच्चे आ रहे थे जैसा अपना कहती हूँ वैसा कहना। लेकिन बिल्डर को लगाना वगैरह अरे ऐसे नहीं, और सारे बच्चे आ गए पीछे जाओ देखो सब आ रहे हैं। सब लोग भी आ रहे थे क्या? कि ये नहीं कि जो फोन है फोन क्लास में बाहर होगा
प्रोहाइबिटेड है ना, सेल फोन ऑन प्रोहाइबिटेड मतलब निषेध कि फोन चलाना जो क्या है निषेध, ठीक है। तो अगर आप इसकी अगर वो सिनोनिम पूछेगा, देखो अगर सिनोनिम पूछे इसके निषेध के लिए, तो बैन कोई चीज क्या है बैन है, और चूंकि जब आईएनजी में है तो बैन, अरे प्रोबाहित प्रोहाइबिटिंग का मतलब क्या निषेध है यानी बैन है, क्यों भाई तो प्राइवेसी हुआ कि नहीं हुआ। चलो फॉरबिडिंग है, फॉरबिडिंग है, फॉरबिडिंग मतलब फॉरबिड मीन क्या होता है मना करना, अरे फॉरबिड मीन क्या होता है मना करना, तो फॉरबिडिंग हो गया मना करना, ठीक है। अलाउइंग डिसअलाउइंग डिसअलाउइंग क्या होता है अनुमति देना, और डिसअलाउइंग मना करना। तो प्रोहिबिटिंग के वैसे बैन फॉरबिड डिसअलाउ ये होते हैं। अब आई उसमें लगा तो उसमें लगा। आज मैं आपको एक चीज बताऊं इसकी नाउन की, अगर नाउन में है तो आंसर नाउन, अगर एडजेक्टिव में है तो आंसर एडजेक्टिव ही देना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। अगर आंसर वर्ब में है तो आपको सिनोनिम का क्या लिखना पड़ेगा वर्ब ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तो ये तो है सिनोनिम, अब देखो एंटोनिम, एंटोनिम निषेध करना होता है, अरे निषेध निषेध करना का मतलब है मना कर देना है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा अनुमति देना, क्या हो जाएगा अलाउ, अनुमति देना अलाउ आईएनजी लगा अनुमति देना, परमिटिंग है भाई परमिट बिना परमिट पर होएगा इस काम का परमिटिंग है ना, इंडोर्सिंग इंडोर इंडोर्सिंग ये होता है। तो ये वही वही लिखूंगा जैसे माना कि स्कूल कॉलेज की बात होती है तो ये वर्ड आता है नहीं आता निषेध आएगा कॉलेज में आएगा लेटर में आएगा ऐसे में आएगा, ठीक है। आगे देखो निबंध अधिकतर विज्ञान के ऊपर लिखे जाते हैं, जनसंख्या के ऊपर लिखे जाते हैं, आपदा के ऊपर लिखे जाते हैं, विज्ञान के चमत्कार के ऊपर लिखे जाते हैं। किसके ऊपर? विज्ञान के चमत्कार, आपदा के ऊपर, जनसंख्या के ऊपर और प्रदूषण के ऊपर, यही तो लिखे जाते हैं। उनमें जो वर्ड आते हैं तो वो वाले सिनोनिम शब्द वो ही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला रिव्यू, यही पेपर में आएंगे एलियू, एलियू मीन होता है प्रलय, प्रलय हो जाना, जैसे प्रलय किसके लिए कहते हैं कोई बाढ़ आई कहते हैं कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कैसे नष्ट हुई, उसे मृतकों का टीला कहते हैं, वो कैसे नष्ट हुई होगी तो कहते हैं बाढ़ की वजह से, बाढ़ की वजह से प्रलय आई। तो प्रलय का मतलब होता है तो क्या है ना विनाश हो जाना है ना, प्रलय बाढ़ आ जाना, प्रलय का मतलब क्या होता है सिनोनिम्स भी बोलते हैं सिनोनिम्स। तो इसके सिनोनिम्स देखो, अरे देखो पेपर में यही आएंगे ज्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा। टोरेंट, टोरेंट, टोरेंट का मतलब होता है कोई जल की तीव्र धारा, अरे जल की तीव्र धारा भाई तो होता है प्रलय। आगे फ्लू बाढ़ वही तो होता है प्रलय। एक नया वर्ड है इनुडेशन, इनुडेशन प्रलय होता है। आप इनके एक्रोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हर पेपर चाहे आप 3 साल लगातार कोई से भी पेपर दे लेना, अगर यही यही सिनोनिम्स यही एक्रोनिम्स ना आए तो कहना यही आएंगे,
देखो प्रलय आ जाना, प्रलय का मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, प्रलय आ जाना बहुत ज्यादा पानी आ जाना, इनुडेशन बिल्कुल बाढ़ आ गई, फ्लड बाढ़ आ गई, टोरेंट बाढ़ आ गई, ये सब वेरी गुड शब्द। तो सूखा की अंग्रेजी क्या होती है? ड्राउट। ड्राउट मीन क्या हो गया? ये इसका अपोजिट वर्ड हो गया। ड्राइनेस, स्केयरसिटी, स्केयर मतलब दरारें पड़ जाना ना, स्केयरसिटी सूखा। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है किसी पर विश्वास कर लेना, यानी विश्वसनीय होना। क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, क्रेडिबल। तो इसमें जो सिनोनिम्स आएगा, जो इनके सिनोनिम्स होंगे, ट्रस्टवर्थी, ट्रस्टवर्थी का मतलब भी तो क्या हो गया? हाँ, विश्वसनीय। बिलीव कर लेना किसी पर, लेकिन बिलीव खुलने लग दोगे, बिलीवर, बिलीवर, रिलायबल, रिलायबल, है ना? अब ऑटोमेटिक क्या लिखो? कुछ नहीं, ट्रस्ट बोर्ड है, अनट्रस्ट बोर्ड की तुम्हारा नहीं है? अरे तुम तो यही कर लेते हो। उतार दिया? क्यों? तो सबने ये कह दिया कि जाना नहीं तो आज संख्या ज्यादा है इसलिए, या लास्ट क्लास है इसलिए, लास्ट क्लास है इसलिए। अरे कमी क्या?
इसे कहते हैं कमी। कमी भी तो कई तरह की होती है, कमी का मतलब गलती, लेकिन ये वो कमी होती है डिफिशेंसी कि जो कोई तुम्हारा भंडार है कोई चीज वो शॉर्ट हो जाए, कम हो जाए, आप ही होती है। तो इसका सिनोनिम लिखो कमी। सिनोनिम का रहेगा शॉर्टेज, इनसफिशिएंसी इनसफिशिएंसी भाई सफिशिएंसी में आप देखो शॉर्टेज मीन्स कमी, लैक मीन्स कमी, इनसफिशिएंसी मीन्स कमी, इनके आठ मीन्स कमी ना होना मतलब पर्याप्त होना। अरे कमी का मतलब पर्याप्त ये तो आएगा, तो ये आएगा मतलब एक कमी पड़ जाना, इतनी चीज है। अरे पर्याप्त प्रचुर मात्रा अबाउंडिंग अबाउंडिंग ये ब्लॉम है सर प्लस की ज्यादा है पर्याप्त है। सभी सेंसी ये उल्टा हो गया होता तथा उल्टा तो ऊपर वाला था किसी को विस्तार करना। इलेबोरेटली विस्तार पूर्वक इंट्रैक्टली थ्रॉली विस्तार पूर्व मतलब सीमित होता है एक्रोनिम मतलब साधा ज्यादा नहीं विस्तार नहीं सिंपली संक्षिप्त में विस्तार का संक्षिप्त है ब्रीफली पेपर में आता ब्रीफली यानी संक्षिप्त में होता तो तीन नंबर वाला एक नंबर वाला है या कौन से रचना करना शुरुआत करना यानी इंट्रोडक्शन
मतलब शुरुआत करना भी तो इसी का आएगा, इंट्रोडक्शन। उन्मूलन करना, जड़ से खत्म करना।
तो यह एलिमिनेशन करना है, टर्मिनेशन करना है, रेडिएशन करना है। अच्छा देखिए निर्माण करना अटोमिक हो जाएगा, जैसे स्टेटमेंट है फ्री फायर है मतलब निर्माण करना यानी आरंभ करना शुरुआत करना ठीक है। हाँ ठीक है, बीस भी निकलोगे ना तब भी पेपर में फंस जाएंगे, कोई बार बार आएंगे। अब बीस के बदलोर जानते हो बीस छक्का 120 हो जाना है ना। आगे देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो मेनाइल बताना पड़ेगा, तो नहीं बताओगे तब भी
सुबह सुबह जो औरतें झाड़ू लगाती हैं घंटे लगाते लगाते रोड तक चली जाती है, फिर वो रोड से चला के नशी होती है, फिर वो कुछ तो तो यही इसीलिए लोग नहीं रहते हैं गांव, इसीलिए लोग शहर में रहना शुरू कर दिए। तो ऐसे लोग जिनको किसी से कोई मतलब नहीं वो डाइनिफाई इसके लिए इम्पोर्टेंट वो कुछ नहीं होती है, ये इसका भ्रम है ना। आगे बैगो लिखो बैगो, ये होगा कोई चीज बैगो अति स्पष्ट ना करना, कोई चीज अस्पष्ट है स्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है कोई चीज बैगो, स्पष्ट नहीं है कोई चीज, हाँ वेरी गुड अनक्लियर है, सुनो नहीं बस अनक्लियर है, कोई चीज अनक्लियर है, नॉट वेल है, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं है यानी क्लियर नहीं, अनसर्टेन अनसर्टेन निश्चित नहीं है, अनसर्टेन अब आज पर था बैठो जो इतना अच्छा हो इम्पोर्टेंट है। अच्छा इसके ऑटो लिंक तो बनाना बहुत आराम से है ना, आज पर का मतलब क्लियर लो क्लियर हो गया है ना, डिफाइन हो गया, डेफिनेट मतलब स्पष्ट है, स्पेसिफिक है, एस्क्राइब करना सर वो डिफाइन लिखा, हाँ तो वो तो अनडिफाइन है, और तो नहीं ये तो डिफाइन है, ये डिफाइन है ये डेफिनेट है। आगे देखो एस्क्राइब एस्क्राइब किसी पर एस्क्राइब कर देना आरोपित करना, एस्क्राइब करना का मतलब क्या होता है आरोपित करना, तो किसी को आरोपित करना, आरोपित करना का मतलब है कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो है ना, कि इस चीज का क्रेडिट उसे मिलना आरोपित कर देना, तो सिनोनिम क्या होता है इसका, Thank you.
डॉक्यूमेंट हो गए, वहाँ पे फ्रेजेज आई थी ना, फ्रेजेज आया था, तो ये इतने आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। Be around.
जिसका अर्थ हो गया कम हो जाना। चवालीस क्लास जो है वो इतनी ही तो गोवाले कितने दिन का हो गया यहाँ कितने पाया पढ़ाने आना 25 15।